गिरफ्तार करते हैं। नेता विरोधी दल मछली मार रहे हैं, क्या लगता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज्यादा है क्या है कि ऊपर चार छोड़ के मछली मार रहे हैं? कॉन्फिडेंस लेवल जिसका हाई रहता है वो मछली मारता है। अब जब मछली मार रहे हैं तो उसी से समझ लीजिए कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है उनका। इसके साथ साथ बजट तो छोड़ दीजिए, विकास तो कहीं शून्य था। 2005 के पहले बिहार में न बिजली थी, न बिहार में सड़क था, न बिहार में कानून व्यवस्था था, न बिहार में शिक्षा व्यवस्था थी और न ही बिहार में स्वास्थ्य सेवा की कोई व्यवस्था थी। और आतंक का राज, आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, शकुनी बाबू के घर पर पूरा फोर्स लगा के पूरा घर तहस नहस कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था पुराने शासन काल में 2005 के शासन काल। इनके घर में एक छटाक अनाज नहीं बचा था, सारा अनाज इनका गोदाम से नहीं, जो कोठी होता है कोठी से निकाल के कुआं में डाल दिया गया था। और उसमें स्वर्गीय आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और हम सब लोग गए थे तारापुर, और वहाँ जाके हम लोगों ने सड़क पर मार्च किया था अन्याय के खिलाफ, अत्याचार। ये तो होता था पुराने राज, ये तो धंधा था पुराने राज का कि अपने विरोधियों को कुचलने के लिए यह काम करो कि वह आदमी बर्बाद हो। यह था उनका शासन। विकास की तो बात ही छोड़ दी, विकास तो कहीं दिखता ही नहीं था, विकास में कहां सवाल। आज देखे हैं कोई अखबार में कि युवराज जो है, युवराज ने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म थी इसलिए मेवालाल चौधरी का देहांत। क्या समझदारी है, क्या सोच है। पूरे दुनिया में कोरोना से कई हजार लोग मरे, लाखों लोग मरे, और कोई व्यक्ति अगर यहां कोरोना से पीड़ित हुआ आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर यही व्यवस्था थी तो आपके पिताजी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे 1990 में, तो आपकी माता जी को ऑपरेशन कराने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का एक्ट ले गए थे। उस समय तो आप ही बिहार के, आपके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे। क्या समझदारी है, रोजगार की बात करते हैं, क्या समझदारी है रोजगार के बारे में। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्य में लोक सेवा आयोग और जो अवर सेवा चयन परिषद और सिपाही भर्ती में और दरोगा की भर्ती में जितना बहाली हुआ है, जितनी नियुक्ति हुई है, अगर पूरे आजादी के बाद से बिहार का आंकड़ा और नीतीश कुमार जी के 16 साल का आंकड़ा रख दीजिएगा, नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी है। रोजगार की बात, क्या समझदारी आपके रोजगार की बात। लेकिन अब है क्या करिएगा, जहां परिवारवाद चलता हो, जहां कोई पार्टी नहीं हो, जहां कोई संस्कृति नहीं हो, तो ऐसे ही ना समझ लोग ना राजनीति में प्रवेश करेंगे जिनको कोई मतलब नहीं है। अब यहां चुनाव प्रचार करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे दिल्ली प्रवास में, वहीं रहेंगे। पूरे कोरोना काल में दिल्ली में थे, बिहार कोरोना से जूझ रहा था, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम सलाम करते हैं उनके शासन को कि आज बिहार में कोरोना शून्य पर है, और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कोरोना मुक्त हो गया। अब परिवारवाद है तो परिवारवाद में चलते हैं। अब प्रेस के लोग कुछ पूछते हैं, फलाना बोला उनके घर में, वो बोला उनके घर में, वो बोला, अरे हमको क्या मतलब है उनके घर से, उनका आंतरिक मामला है। सत्ता संघर्ष तो जहां परिवार की पार्टी चलेगी वहां तक परिवार में सत्ता संघर्ष होगा, हर एक दूसरे पर हावी होना चाहेगा परिवार का सदस्य, तो ये सब तो होता ही रहता है। तो इसलिए ये सब की चिंता नहीं करनी है,
बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार अपनी बुलंदियों पर, अपनी ऊंचाइयों पर जा रहा है और बिहार में नीतीश कुमार जी का जो सपना है विकसित बिहार बनाने का, वो विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य हम लोग प्राप्त करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाकर 2010 के स्तर तक ले जाएंगे। इसलिए पार्टी का विस्तार है, मान सम्मान का ख्याल हम लोग रखेंगे। लेकिन आप सब साथी जो आज जनता दल यू परिवार के सदस्य हुए हैं, आप सबों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि यहाँ से लौट के जाइए, गांव गांव में तारापुर के विधानसभा क्षेत्र में फैल जाइए और जनता दल यूनाइटेड का झंडा बुलंद करिए और वहां जीत का मार्जिन जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, जीत का मार्जिन डबल कर देने का काम करिए, तभी इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे और उनको मुंहतोड़ जगह दे सकेंगे। और बाकी तारापुर तो सपनी बाबू का कार्य क्षेत्र रहा है, तारापुर सपनी बाबू का कार्य क्षेत्र रहा है, तारापुर के गली गली घर घर से चप्पे चप्पे से सपनी बाबू परिचित हैं। तो इसलिए अब सपनी बाबू भी हम जा रहे हैं, कल से वहाँ हैं, सपनी बाबू से भी आग्रह करेंगे कि वो निकलेंगे और निकलेंगे और सब लोग हम लोग मिलके तारापुर का जीत का मार्जिन दोगुना करेंगे। यही आग्रह और विनती आप सबों से करते हुए कि यहाँ से लौट के जाइए, सब लोग लग जाइए। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबों से विनती करते हुए और पुनः रोहित चौधरी जी का जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत